हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा बेहतरीन रेमेडी शेयर करूंगी जिसको इस्तेमाल करने से आपके बालों से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। आज जो रेमेडी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इतना इफेक्टिव है, इसे इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में आप देख पाएंगे आपका बालों का झड़ना बंद हो चुका है। आगे इसे इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत ही तेजी से लंबे होंगे, आपके बाल घने होंगे, जहाँ से बाल जर गए हैं वहाँ पे हेयर रीग्रोथ होगा। घर में मिले हुए कुछ ही सामान से बनाऊंगी, इसलिए आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा कि इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस सिंपल सा रेमेडी इतना कमाल का रिजल्ट दे सकता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ चावल। चावल को मैंने रात भर के लिए भिगा दिया था, क्योंकि चावल को पूरी रात भिगाने से ये बिल्कुल फर्मेंटेड राइस बनता है, जिससे कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और ये बहुत ही इफेक्टिव बनकर तैयार होगा। अब मैं चावल की पानी अलग कर लूंगी और बाकी जो चावल बचा हुआ है आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर ही सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक प्याज लेना है। आप देख सकते हैं प्याज जो है बिल्कुल रेड कलर का है। आपको यहाँ पे रेड कलर की ही अनियन लेना है, इसमें सल्फर की मात्रा काफी होता है, नहीं तो आप छोटे छोटे जो शैलट होते हैं इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रमाणित है छोटे छोटे अनियन और रेड कलर की जो अनियन होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है, इसलिए आप यहाँ पे रेड कलर की अनियन नहीं तो शैलट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने प्याज को इस तरह से काट लिया है, अभी मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। मैं यहाँ पे 2 चम्मच प्याज की रस ले रही हूँ, बाकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पानी तैयार करना है तो आप ज्यादा बना सकते हैं। चावल की पानी और प्याज के रस को अच्छे से मिक्स करें। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये बहुत ही इफेक्टिव बनकर तैयार है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेन कर लिया है। आप जब भी बालों को वॉश करने जाएंगे 30 मिनट्स पहले आप अपने बालों के जड़ों में अच्छे से अप्लाई करेंगे और 30 मिनट्स बाद आप अपने बालों को क्लीन कर लेंगे शैम्पू से। आपका जो भी फेवरेट शैम्पू है आप इसे क्लीन कर सकते हैं। हो सके तो आप हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप देख पाएंगे आपको क्या गजब का रिजल्ट मिल रहा है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के 1-2 दिन बाद आप हेयर ऑयलिंग करेंगे तो आपके हेयर रीग्रोथ में और भी फायदा मिलेगा। आप जब भी हेयर ऑयलिंग करेंगे आपके बाल क्लीन होना चाहिए। अगर आप बाहर से आकर ही हेयर ऑयलिंग करेंगे तो आपके बालों में बहुत सारा मैल जमा होता है, जिसके कारण आपको रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए आपके बाल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए आप जब भी रेमेडी या फिर ऑयलिंग करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपके लिए रेमेडी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इस तरह के हेल्पफुल रेमेडीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।